हल्द्वानी पुलिस ने यूट्यूबर सौरभ जोशी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने मीडिया को बताया कि आरोपी ने पैसे कमाने की चाहत में यूट्यूबर सौरभ जोशी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर रंगदारी की धमकी दी। उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर है सौरभ जोशी, इनको किसी के द्वारा धमकी दी गई और ये कहा गया कि हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं और 5 दिन में अगर 2 करोड़ रुपए नहीं दिए तो आपके और आपके परिवार को जो हार्म करने की और उनको खतरा पहुंचाने की धमकी इसमें दी गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए चूंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ नाम आ रहा था तो हमने तत्काल इसमें एफआईआर रजिस्टर की। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में हमारी एसओजी की थाने की और जो बाकी टीम है वो भी हमने एक्टिवेट की और एक्टिवेट करने के बाद में जो क्राइम का पैटर्न को जब देखा गया तो ये पता लगा है कि सौरभ जोशी को किसी के द्वारा एक लेटर भेजा गया था। तो इसमें जो हमारा सीसीटीवी एनालिसिस है, मुखबिर है और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है उसके आधार पर एक लड़का चिन्हित हुआ और पुलिस ने गिरफ्तारी की।